क्षमा पर्व पयोर्षण पर्व एक दूसरे को क्षमा करने का पर्व। जैन साध्वी सुनंदिता श्री जी कनक आराधना भवन में पयोर्षण पर्व के चौथे दिन कनक आराधना भवन में जैन साध्वी सुनंदिता श्री जी ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पयोर्षण पर्व जैन धर्म में ऐसा पर्व है जो चाहे एक दूसरे के मन में कितना भी मनमुटाव हो, जो व्यक्ति पयोर्षण पर्व पर मनमुटाव को भूलकर क्षमा मांग ले उसका ही पयोर्षण पर्व तभी सार्थक होता है। प्रवचन के बाद में जैन साध्वी के प्रश्नोत्तर वहां उपस्थित श्रावक श्राविकाओं से पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने पर पारितोषिक दिया गया। पयोर्षण पर्व के आठ दिन के लाभार्थी मूलचंद प्रकाश चंद बच्छावत परिवार ने लिया। पयोर्षण पर्व के अवसर पर अखिल भारतीय खरतरगच युवा परिषद के सदस्य प्रदीप डागा, कल्प खंजाची, विकास बोथरा, कुशल खंजाची के द्वारा हिरावाई स्थित आदिनाथ मंदिर में भगवान की रोजाना विभिन्न प्रकार की आंगी रचना की जा रही। संघ के प्रदीप डागा ने बताया कि जैन साध्वी के सानिध्य में कल गुरुवार को सुबह 9 बजे से कनक आराधना भवन में भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन होगा। इस अवसर पर खरतरगच संघ के संरक्षक केवलचंद डागा, प्यारे लाल बोथरा, अध्यक्ष गौतम कोठारी, उपाध्यक्ष सरदारमल डागा, ऋखभ चंद डागा, सचिव केवराज बच्छावत, रोशन बोथरा, अशोक लुनावत, कमल डोसी, जेठमल बोथरा, चेनमल डागा, नेमीचंद लुनावत, मनीष खंजाची, सुभाष बोथरा आदि श्रावक श्राविकाएं मौजूद थे। जाता है व्याख्या में एक दो बार ये बात बताई है। आपसे अगर पूछ ले कि बचपना आपका कब गया, कब जाता है, क्या जवाब मिलेगा? क्या जवाब मिलेगा? पालक तीन अहिंसा और शादवाद, ये जो जैन धर्म का सरोवर है, उस सरोवर में करुणा का, निर्दमता का कमल हमको खिलाना है। कमल की पंखुड़ियों पर सम्यक चारित्र की आराधना करके मैत्री समान कमल की सुवास चारों ओर फैलाकर ये दिव्य महालय की शोभा हमें बढ़ानी है। सुपर आराधना की सुपर फास्ट एक्सप्रेस आप लोगों की बहुत अच्छी तरह से चल रही है, किंतु उसने चलती हुई ट्रेन में अगर थोड़ी कुछ गड़बड़ हो जाए, हजारों की जान चली जाती है। जैसे एक पर्व का प्राण श्वास या ऑक्सीजन के देवे तो क्षमापना है। जिंदगी के अंतिम श्वासों श्वास लेने वाला अगर धरती से पूछा जाए कि ऑक्सीजन की कीमत क्या, कोरोना 19 में हमें ऑक्सीजन क्या, उसका अच्छी तरह से ख्याल आ गया। जिंदगी में और कितना भी किया जाए, लेकिन जब तक दिल खट्टा है, मन में मरोड़े हैं,